कई बार तो भाई बहने पूछते हैं कि भाई जी बाबा ने कहा है ना किसी को नाराज नहीं करना, दुखी नहीं करना, परंतु हमारा जो पार्टनर है अगर हम पवित्रता की बात करते हैं तो वो दुखी हो जाता है, हमसे नाराज हो जाता है। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए हम तो बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। मतलब या तो बहुत भोले हैं बेचारे जो बाबा की बात को नहीं समझे, या अपने को चला रहे हैं। तो इसलिए इतना चालाक मत बनो, सीधी सी बात है, देवता बनना है तो पवित्र बनना पड़ेगा, पावन दुनिया में चलना है तो पावन बनना पड़ेगा। कुछ भी करो, कुछ भी युक्ति अपनाओ, सिर्फ पवित्रता के कारण ही दादियों ने इतना कुछ सहा, इतनी यातनाएं मिली, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि पता लग गया था कि इसमें कितनी शक्ति है, इस पवित्रता में। पवित्र तो रहना ही है, कुछ भी हो, चाहे शरीर छोड़ना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर ईश्वरीय मदद भी मिलती है। याद रखो, शुभ इच्छा ईश्वर पूरी करता ही है, हाँ अशुभ इच्छा भी पूरी होती है, लेकिन रावण के द्वारा। उस रास्ते पर जाएं तो भी सारी कामनाएं पूरी होती हैं, रावण की तरफ जाएं, गलत दिशा में जाएं तो भी, और इधर श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें, पवित्रता के रास्ते पर चलें तो भी, लेकिन हिम्मत चाहिए। आप सोचिए, शास्त्रों में भी लिखा आता है कि कुछ बड़े बड़े महर्षि जो महारथी अपने आप को कहलाते थे, दुनिया भी मानती थी, दिखाते हैं कि विश्वामित्र जो कोई ऋषि थे, उन्होंने इतना तप किया, उन्होंने इतनी तपस्या की कि इंद्रदेव का सिंहासन हिल गया। फिर इंद्रदेव ने किसी को भेजा, किसी अप्सरा को, और उसके कारण जो ऋषि थे विश्वामित्र, उनकी तपस्या भंग हुई, व्रत था वो भंग कर दिया ब्रह्मचर्य का। विश्वामित्र ने उसको श्राप दिया कि आपके कारण मेरा ब्रह्मचर्य भंग हुआ है। तो ऐसा दिखाते हैं कि उस अप्सरा ने भी शिव की तपस्या की, और वो भी पत्थर की जो बन गई थी, फिर से चैतन्य में आई और अपने देवलोक में, स्वर्ग में पहुंच गई। लेकिन क्या दिखाया जाता है कि वो फिर क्षत्रिय कुल में आए, फेल हो गए थे ना, तो देवता नहीं क्षत्रिय बने। इंद्रियों को जीतना है, हारना नहीं है, हारेंगे तो देखो किस क्या गायन बना, कहां तो महारथी वो कहलाते और कहां फिर एकदम क्षत्रिय कुल में उनका जन्म दिखाया गया है। और अगर कोई गिर भी गया है तो ये नहीं सोचना कि अब तो पतित बन ही गए हैं, अब क्या करें, अब तो पतित ही रह जाते, नहीं, फिर से हिम्मत करो, खड़े हो जाओ, पुरुषार्थ करो। यही बाकी सारे विकारों का राजा है और वो सब इसके पीछे पीछे चलते हैं। अगर इसको जीत लिया, समझो सारी दुनिया को जीत लिया, सारे विकारों को जीत लिया। लौकिक दुनिया में भी पवित्रता का मान बहुत है और उसके लिए अनेक अलग अलग युक्तियां अपनाई जाती हैं। जैसे आर्य समाजी जो उनकी अनुयायी हैं, वो ऐसा मानते हैं कि सारा दिन खूब हार्डवर्क करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सारा दिन खूब सेवा करो, इतनी सेवा करो कि थक जाएं और कोई विचार ही ना आए, व्यर्थ के लिए समय ही ना हो, और रात को भी इतनी गहरी नींद आए कि स्वप्न भी ऐसा वैसा ना दिखाई दे, गहरी नींद में कुछ स्वप्न दिखाई नहीं देते, तो उसमें भी बच जाएंगे। तो सारा दिन और रात 24 घंटे हमारा पवित्रता में बीतेगा, और बड़ी सहजता से बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। सबूत कैसे दें? जो पवित्र आत्माएं होती है ना, उनके नयन चैन से पता पड़ जाता है, उनके बोल से मालूम हो जाता है ये पवित्र आत्मा है, उनके अंदर रूहानियत आ जाती है, वो मिठास आ जाता है, और उनका जो बोल है ना, उस बोल में एक निर्माणता आ जाती है, जो मर्यादाएं हैं उसको बड़ी प्रिय होंगी, और मर्यादाएं पूछेगा कि इस बारे में और क्या कहा बाबा ने, और जो पतित होगा वो कहेगा हमें मालूम है सब मर्यादाओं का, कौन है ऐसा, कोई है ऐसा, हम सबको जानते हैं,
ऐसी ऐसी बातें करेगा, जो पवित्र है उसको ज्ञान की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, ज्ञानियों का संग अच्छा लगेगा, उनके पास बैठना चाहेगा बार बार। जो अपवित्र आत्मा होती है वो ज्ञानी योगियों के पास अपने को असहज महसूस करेगा, वो ज्यादा टाइम पतितों के संग रहेगा। जो विकारी होगा वो क्रोधी होगा, उसमें ठहराव नहीं होगा, जल्दी 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 खास पहचान, उसकी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी। अब अगर पवित्र रहना है तो अब वो समय नहीं है गंधर्वी विवाह का। ये तो बाबा ने पहले, जब जमाना कुछ और था, अब तो जमाना बदल गया, सब स्वतंत्र है, चाहे कन्या है चाहे भाई है, बिल्कुल जैसे विदेश में पहले छुट्टी होती थी ऐसे यहां भी पूरी स्वतंत्रता है। अब अगर कोई कहता है कि नहीं हम गंधर्वी विवाह करके सेफ रहेंगे, तो वो धोखा दे रहा अपने आप को, दूसरों को धोखा देने का प्रयास कर रहा है परंतु अपने को दे रहा है। पवित्र बनने का सबसे बड़ा हथियार संगम पर मिलता है और वो हथियार है सच्चा ज्ञान। पहले भी ये बातें कही गई थी, आधा कल्प से चल रहा है कि पवित्र बनो पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य को धारण करो। उन्होंने अभियान भी चलाया, पुरुषार्थ भी किया कि सारे जग को पवित्र बनाएंगे, बहुत सूत्र भी सुनाए, फॉर्मूले बताए, परंतु कोई पवित्र बना नहीं। सिर्फ एक अलग से मठ पंथ या धर्म स्थापन होकर रह गया। कितने थोड़े हैं जो पवित्र रहे, लेकिन जो पवित्र रहे वो आज भी इतिहास में उनका नाम है। वो तो सिर्फ एक ही व्यक्ति पवित्र रहा और महान बन गया, लेकिन यहाँ हम, बाबा ने हमको पवित्र बनाया, फिर हम औरों को पवित्र बना रहे हैं, और कितनों को बाबा की याद में रहकर बाबा की मदद से, कितनों को बाबा से जोड़कर पवित्र बना रहे हैं। तो हम ईश्वरीय संतान कितने महान होंगे जिन्होंने इतना महान कार्य करके दिखाया, औरों को पवित्र बनाकर दिखाया। अब देख लो कहां धर्म गुरु कितने प्रसिद्ध हैं, उनकी कितनी मान्यता है आज समाज में, देश में, दुनिया में, उससे कहीं ज्यादा ईश्वरीय संतान की है। मतलब किसी धर्म गुरु के बराबर भी नहीं, उनसे भी उच्च पद एक ब्राह्मण का है, एक ब्रह्मा कुमार का है। किस कारण? इस प्योरिटी के कारण। अब आप देख लो ये आपके अंदर कितने परसेंट है, भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं, और नॉलेज में इतनी पावर है कि इतनी बड़ी बात जो दुनिया वाले समझते हैं प्योरिटी को, उसको बड़ी सहजता से धारण करा देती है ये नॉलेज। इसलिए इस ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, इस ज्ञान को उतने सम्मान के साथ ही सुनना और धारण करना चाहिए। ज्ञान की रिस्पेक्ट क्या होगी? शास्त्रों में जो ज्ञान है, मान लो गीता ज्ञान है, उसको कितना सम्मान देते हैं, उसको बिना हाथ धुलाई किए, बिना स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते। यानी पहले शुद्धि हो, पवित्र हो, फिर उसको हाथ लगाएं, फिर उसको माथे से लगाते हैं, उसको ऐसे पूजते हैं जैसे कोई देवी देवता का सम्मान होता, उसकी पूजा होती। इतना सम्मान शास्त्रों का होता जिनमें ज्ञान है। तो ये मुरली सच्ची गीता है, इसको तो कितना सम्मान देना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए मुरली से। मिस करना तो छोड़ो, बिल्कुल सही समय पर, निश्चित समय पर इसको सुनना चाहिए। इसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि ये काम था ना, आज बिजी थे ना, आज कहीं बाहर थे ना। कुछ भी करते सबसे पहले मुरली को सुन लो। ये तो ऐसे जैसे श्वास होता है ना,
शरीर में श्वास है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कहीं कहते हैं ना, आज कहीं निकलना था तो मुरली नहीं सुन पाए। अरे अगर आत्मा ही निकल जाती फिर कहीं आप जा पाते? तो ये सोचो कि मुरली हमारी जान है, प्राण है, श्वास है, तो पहले अपने श्वासों को संभाल लें, उनको अपने अंदर समा लें, उसके बाद फिर कुछ आगे बढ़े, कुछ और कार्य करें। अगर 3 बजे कहीं आपको जाना है तो 2 बजे उठ जाओ, पहले 5 मिनट बाबा को याद किया, फिर मुरली को सुना, फिर अपना। अगर आपको लगता है 1 घंटा पर्याप्त तो नहीं है, 2 घंटे पहले उठो। जिस चीज का महत्व तो हम समझते हैं ना, वो कार्य जरूर करते हैं। जब महत्व तो कम होता है किसी कार्य का, फिर उसको थोड़ा टाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि इसको थोड़ा बाद में करेंगे। इसलिए जितना मान सम्मान हम मुरली को देंगे, उतना सम्माननीय बनेंगे, माननीय बनेंगे। और अभी जो कर रहे हैं, एक एक बात का फिर यादगार, आधा कल्प चलता भक्ति मार्ग में। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, समझ लो अभिमान तो वश तो है ही, कभी ना कभी उसका पतन होने का चांस है, क्योंकि उसने सुनने के समझने के सारे रास्ते बंद कर लिए। जबकि एक ईश्वर के सिवाय ज्ञान का सागर कोई है ही नहीं, और अगर ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान नदी है, तो नदी अभिमान कैसे कर सकती है कि मैं सबसे बड़ी हूं, मेरे से ज्यादा ज्ञान तो कहीं है ही नहीं। वो शास्त्रों की अथॉरिटी है ना, ऐसा समझते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं। उस असत्य ज्ञान को समझकर सुनकर कहते हैं हम अथॉरिटी, और हमें अब कोई नहीं समझा सकता, हमने सब कुछ समझ लिया, उनको क्या कहेंगे? वो एक ठहरा हुआ ज्ञान है, एक तालाब का ज्ञान है। अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।